एक चम्मच तेल में बना हुआ ऐसा नाश्ता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, चटपटा भी है, तो चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे लगभग 1.5 कटोरी पानी। इसी में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। तो 1.5 कटोरी पानी लिया था तो उसमें हम उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी सूजी डाल देंगे और इसे इस तरह से स्पैचुला से लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा होकर डो फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से स्पैचुला से इसमें जो गांठें दिख रही हैं वो लम्स आपको ख़त्म करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो डो है वो रेडी हो गया है सूजी का। इसे हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो रेडी है। इसे साइड में रख देते हैं और 1 चम्मच तेल हम कढ़ाई में डालेंगे। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई और 2 चुटकी हींग डाल देंगे। जब जीरा और हींग ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी, हमने इसमें डाल दिया 1 बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक पका लेंगे। प्याज भुन गई है, इसमें डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे, फिर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का कम इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और बस इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू जिनको हमने छील करके कद्दूकस कर लिया था। ये 4 आलू हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बढ़िया से मिला लिया है और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है। तो हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा हम इसमें आमचूर पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। बस इसे बढ़िया से मिला लेना है और बहुत ही चटपटी सी हमारी ये जो फिलिंग है वो रेडी है। बस अब इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। थोड़ा धनिया बाद में और डाल देंगे। तो डो भी रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है, अब हम इसको बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें जगह बनाएंगे, इस तरह से कटोरी का शेप देंगे और इसमें स्टफिंग डाल देंगे हम आलू की। तो स्टफिंग उतनी ही डालें जितनी सूजी में अच्छे से कवर हो जाए, ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालें। और स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए सूजी से हम इस तरह से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से कवर कर दीजिएगा, मैंने अच्छे से सील कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर से चिकना कर लेंगे। तो ये एक हमारा बन के तैयार है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। सिंपल सा है, डो अच्छा स्मूथ है तो आपको स्टफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डो बनाते समय ध्यान रखिएगा कि 1.5 कटोरी पानी और 1 कटोरी सूजी, किसी भी कप या कटोरी से आप माप सकते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये रेडी है। अब हमने कढ़ाई में रखा है पानी लगभग 1.5 से 2 गिलास के जितना पानी। जब उबाल आने लगेगा तो ये जो हमने नाश्ता तैयार किया है उसे हम इसमें रख देंगे क्योंकि अभी हमें इसे स्टीम करना है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके 8 से 10 मिनट तक तेज आंच में बढ़िया से स्टीम होने देंगे। तो लगभग मैंने इसे 10 मिनट तक स्टीम कर लिया और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से फूल चुके हैं। सूजी में जो कसर थी वो भी अच्छे से फूल गई है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं चटनी के साथ या फिर
पैन में डाला मैंने आधा चम्मच तिल, चुटकी भर हींग डाल देंगे, आप तिल भी डाल सकते हैं इसमें सफ़ेद, बस हल्का सा इसको भूनेंगे और तुरंत ही हम अपना ये नाश्ता इसमें रख देंगे। तो इनको थोड़ा सा क्रिस्प कर लेंगे, अगर आप इसे और ज़्यादा क्रिस्प करना चाहते हैं तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऊपर से छिड़क देंगे जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एक साइड से जब ये हल्का सा हो जाएगा हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा क्रिस्प हो जाने देंगे। तो ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी थोड़े से क्रिस्प हो रहे हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा डाल देंगे और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही चटपटा आलू और सूजी का ये नाश्ता बनके तैयार है। इसे बनाने में हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ, आप अपनी पसंद की चटनी के साथ खा सकते हैं।